Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. और साइंस के हमारे अब तक जितने लेसन हो चुके हैं आप सब ने ज़रूर उन्हें अच्छे से समझ लिया होगा और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रहे होंगे. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपको हर लेसन के साथ लर्न करने के लिए भी क्वेश्चन दिया जाता है. आई होप कि आप उन्हें भी लर्न कर रहे होंगे. Today we are going to learn about transportation. आज के इस लेसन में आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि आपने जब कहीं दूर ट्रैवल करना हो, सफ़र करना हो और कहीं एक जगह से दूसरी जगह आपने जाना हो, तो आप जिन चीज़ों के ज़रिए जाते हैं उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल मी व्हाट इज़ दिस. एक्सीलेंट, दिस इज़ साइकिल. साइकिल और साइकिल के ज़रिए भी आप लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह इजीली चले जाते हैं. लुक एट दिस, व्हाट इज़ दिस. वेरी गुड, दिस इज़ मोटर बाइक. मोटर बाइक. और ये तो सारे ही जानते हैं, इस पे भी बैठकर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं. सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. एक्सीलेंट, दिस इज़ रिक्शा. और ये भी सबको पता है, इसका यूज़ भी किया जाता है जब आपने कहीं ट्रैवल करना हो, किसी के घर जाना है, किसी भी जगह आपने जाना हो, तो आप इसके ज़रिए बहुत आसानी के साथ पहुंच जाते हैं. सो दिस इज़ कार. दिस इज़ कार. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये भी ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज़ होता है. और ये है बस. बस, ये भी आपने देखा होगा, बस के अंदर भी बहुत सारे लोग एक वक्त में सफ़र कर सकते हैं और बहुत दूर दूर जगहों तक आसानी से और कम वक्त में पहुंच सकते हैं. ओके, ये भी ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज़ होता है. और ये जो चीज़ है इसके थ्रू आप एक सिटी से, एक शहर से दूसरे शहर तक भी जा सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे लोग एक वक्त में बैठ सकते हैं. तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है? एग्जैक्टली, दिस इज़ ट्रेन. ओके, लुक एट दिस, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ दिस. वेरी गुड, दिस इज़ एयरप्लेन. एरोप्लेन भी कहते हैं इसको, और एयरप्लेन दोनों हम कह सकते हैं. और एयरप्लेन जो है ये भी एक सिटी से दूसरे सिटी या आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है, यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा दूर आपने जाना है, तब आप एयरप्लेन का यूज़ करते हैं. और ये जो है ये आपको बहुत ही कम वक्त में बहुत दूर जगहों तक बहुत आसानी के साथ ले जा सकता है. तो एयरप्लेन भी ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज़ होता है. डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ों के बारे में देखा जो कि बहुत आम तौर पर आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं और जिनके ज़रिए आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. अब आपने ये करना है कि कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसे थिंग्स के नेम्स को लर्न करना है जो कि आप ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि सफ़र करने के लिए हम इस पर इसका इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि कार, साइकिल, बस, ट्रेन, मोटर बाइक, एयरप्लेन और रिक्शा.
इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ों के नाम लर्न कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे. आई होप यू विल लर्न दीज थिंग्स. जज़ाकुमुल्लाह.